और सोनीपत के मुरथल टोल प्लाजा पर टोलकर्मी को टोल तोड़कर भाग रहे ट्रक के पीछे लटकना महंगा पड़ गया। हाथ छूटने से वो ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ये तस्वीर है सोनीपत के मुरथल टोल प्लाजा की। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ट्रक टोल दिए बिना भाग रहा है, जिसके पीछे दो तीन टोल कर्मी ट्रक को रोकने के लिए दौड़ते हैं। उसमें से एक टोल कर्मी ट्रक के पीछे लटक जाता है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता और ट्रक चालक तेजी से ट्रक भगाकर ले जाता है, जिसके पीछे लटका टोल कर्मी नीचे गिर जाता है और टायर के नीचे आ जाता है, इससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। घटना की सूचना पाकर मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सोनीपत रहता टोल टैक्स पे नौकरी करता था जी, डेली आना जाना था, उसकी ड्यूटी थी। गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी तो जी उसने रुकवाई होगी, वो आगे जाकर उसने गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो कोई बैरियर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है टोल पे? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। अच्छा, इनको आगे अड़के रोकनी पड़ती है? हाँ जी, आगे अड़के रोकनी पड़ती है इनको, और मतलब डेली का हादसा कुछ ना कुछ होता रहता। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ट्रक चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है, जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज टोल प्लाजा से सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, वह एक टोल कर्मी को नंबर ना मालूम ट्रक चालक ने कुचल दिया। पर्ची कटवाने के बारे रुकवा रहे थे टोल प्लाजा वाले कर्मचारी, अभी तक नंबर क्लियर नहीं हो पाया, फुटेज दिखाई दे रही है। हाँ, इस पर FIR दर्ज करके। हालांकि पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन टोल बूथ पर कभी टोल मांगने पर गाड़ी चालकों की दादागिरी तो कभी टोल कर्मियों पर गाड़ी चलाने की घटना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे, हर बार टोल प्रबंधन और प्रशासन सुरक्षा दुरुस्त करने का दावा करती रही, लेकिन टोल पर गाड़ी चालकों की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कविता किट्टू शर्मा, टोटल न्यूज, सोनीपत।